हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। द्रास्त विच माई सेल बीडी गुप्ता। आज मैं बताऊंगा चैप्टर ग्रेविटेशन का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बेटा, ये देखो। अमित बाई फ्यू ग्राम्स ऑफ गोल्ड एट द पोल्स एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ वन ऑफ हिज फ्रेंड्स ही हैंड्स ओवर द सेम व्हेन ही मीट्स हिम एट द इक्वेटर। विल द फ्रेंड एग्री विद द वेट ऑफ द गोल्ड बॉट? इफ नॉट, वाई? और यहाँ पे हिंट दे रखा है, द वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर एट द पोल्स देन द इक्वेटर। और चैप्टर ग्रेविटेशन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, इसके पहले क्वेश्चन नंबर 9 तक पढ़ा चुका हूँ बेटा। तो इसका आंसर कैसे देंगे बेटा, यहाँ आप देखो, ये यहाँ पे ये थियोरेटिकल यहाँ तक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अमित अमित के कुछ फ्रेंड हैं, उनमें से एक फ्रेंड बोलता है, उनको सजेस्ट करता है, इंस्ट्रक्शन देता है कि तुम गोल्ड खरीदो। कहाँ खरीदो? पोल पे। और वो पोल पे खरीदता है, जब उससे मिलता है, मिलने के समय वो कहाँ मिलता है? इक्वेटर, इक्वेटर पे। तो वो क्या एग्री होगा गोल्ड लेने के समय? जितना वेट पोल पे था उतना ही वेट क्या इक्वेटर पे होगा? इसी का आंसर देना है बेटा। तो ये थियोरेटिकल है, ये यहाँ से यहाँ तक इस बोर्ड पे चार्ज से लंबा है। ये क्वेश्चन देख के नहीं घबराना है, परेशान होना है, सबसे इजी है, बहुत इजी है। कैसे आंसर देंगे बेटा? दे देंगे आंसर कैसे, एक एक चीज पकड़िए। तब अमित भाई फ्यू ग्राम्स ऑफ गोल्ड एट द पोल्स, यहाँ पोल आ रहा है और जब हैंड ओवर कर रहा है कहाँ पे? इक्वेटर पे। तो ये पोल कहाँ गया? ये पोल यहाँ पे इक्वेटर। पोल इक्वेटर कहाँ देखने को मिलता है बेटा? अर्थ पे। अर्थ, अर्थ की बनावट कैसी होती है? पूरा सर्कुलर नहीं होती है, ऐसे होती है। इसका सेंटर हो गया, ये इक्वेटर है, ये पोल है, ये पोल एट द पोल, एट पोल, और ये एट इक्वेटर, अर्थ पे मिलती है। क्वेश्चन क्वेश्चन से ही अपना फिगर बन जाएगा। यहाँ पे पोल, यहाँ पे इक्वेटर। तो पोल इक्वेटर कहाँ मिलता है देखने को? अर्थ पे। ये अर्थ हो गया, इसका ये सेंटर वाला लाइन, यहाँ पे सेंटर माना, तो ये लाइन इक्वेटर बोलते हैं, इसको पोल बोलते हैं। तो क्या जब अमित गोल्ड खरीद लेगा पोल पे, खरीद के जब इक्वेटर पे मिलेगा अपने फ्रेंड से, तो क्या ले लेगा? तो आंसर इसका नो। पहला क्या है? नो मीन्स नो। पिंक मूवी देखा होगा बेटा आपने, इसी पे है नो, मतलब नो, नहीं लेगा। नो, उसका रीजन क्या होगा बेटा? सिंस चूंकि वेट विल बी डिफरेंट। किसका वेट बेटा? वेट विल बी डिफरेंट, गोल्ड का वेट डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट होगा? इसका आंसर देंगे अभी मैथमेटिकल। पोल पे खरीदेगा, इक्वेटर पे देगा, तो पोल पे वेट ज्यादा होगा, इक्वेटर पे कम होगा, तो वो एग्री नहीं होगा, वेट विल बी डिफरेंट। अब यहां बात आती है, तो आप लोग बोलो सर इसको मैथमेटिकल प्रूफ करो, बताओ बताओ इसको मैथमेटिकल प्रूफ करो, इसको क्यों वेट डिफरेंट होगा, इसको बता रहा है। ये देखो, ये पोल है, ये इक्वेटर है, ये अर्थ हो गई। अर्थ पूरा सर्कुलर नहीं होती है, सर्कुलर गोला, पूरा गोला नहीं होती है। तो ये देखो, तो यहाँ पे एट पोल एक फार्मूला हमने बताया था डेरिवेशन में, जी बराबर जी एम ई अपन आर ई स्क्वायर। अर्थ की बात की जाए तब अर्थ का मास लेंगे, अर्थ का रेडियस लेंगे, तो वहां पे एक फार्मूला लगेगा एट पोल। जो फार्मूला यहाँ लगा रहे हैं वही फार्मूला यहाँ लगाते हैं, तभी ये वेट का डिफरेंस पकड़ में आएगा। एट पोल ये देखो बेटा, हम जानते हैं क्या, जी बराबर जी एम ई अपन आर ई स्क्वायर, ये हेल्प करेगा इस पूरे क्वेश्चन का आंसर देने में, ये हेल्प करेगा। जी बराबर जी एम ई अपन आर ई स्क्वायर। एम ई मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। यहाँ पे जी बराबर जी एम ई अपन आर ई स्क्वायर। पोल पे, पोल के लिए फार्मूला लगाओ। तो ये देखो, पोल पे ये इसका सेंटर है, तो यहाँ ये डिस्टेंस क्या है? कम है। यहाँ पे रेडियस कम है, पोल पे अर्थ की रेडियस क्या है? कम है। तो यहाँ पे रेडियस कम है, अगर ये रेडियस कम है तो ये जी क्या होगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में कम होगा तो ये क्या होगा? बढ़ेगा। जब मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे
तो ये देखते हैं, अगर आर ई क्या है, अर्थ ऑफ रेडियस, यहाँ पे पोल पे अर्थ की रेडियस क्या है, कम है। ये देखो, ये फिगर देखो बेटा, ये बड़ा सा है, ये छोटा है, तो छोटा है मतलब रेडियस कम है, इसलिए एरो का निशान दिखाया हमने नीचे की तरफ। रेडियस कम है तो जी क्या होगा, ज्यादा होगा। अब देखो यहाँ पे जी ज्यादा हो गया, अब यहीं पे हम जानते हैं क्या, डब्ल्यू बराबर एम इंटू जी। वेट, वेट क्या, वेट इज द फोर्स, वेट क्या होता है, एम इंटू जी होता है। तो यहाँ पे देखो जी, यहाँ पे जी क्या है, ज्यादा है, कहाँ पे, पोल पे, पोल पे ज्यादा है, तो यहाँ पे ज्यादा है। मास चेंज नहीं होता बेटा, चाहे अर्थ पे रहो कहीं भी जाओ, मास नहीं चेंज होता है, लेकिन यहाँ पे जी चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे जी चेंज हो रहा है, जी क्या हो गया, यहाँ पे ज्यादा आ रहा है, जी ज्यादा है, इसलिए वेट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये देखो मैथमेटिकल हमने ये निकाल दिया कि पोल पे जो गोल्ड खरीदेगा अमित, उसका वेट क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि जी ज्यादा होती है, इसलिए एम इंटू जी। तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, एम इंटू जी मीन्स डब्ल्यू ज्यादा हो जाएगी, वेट ज्यादा होगी। अब तो वेट ज्यादा है कहाँ पे, पोल पे। अब आते हैं इक्वेटर पे, यही फार्मूला लगाओ, यहाँ पे अर्थ की रेडियस इक्वेटर पे क्या है, ज्यादा है, तो हम जानते हैं क्या, जी बराबर जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। सेम फार्मूला इक्वेटर पे भी लगाओ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ज्यादा है, फिगर देखो, ये यहाँ से यहाँ तक ज्यादा है, अर्थ की रेडियस क्या है, यहाँ पे ज्यादा है, इक्वेटर पे, इक्वेटर पे अर्थ की रेडियस ज्यादा है। जब ज्यादा होगा एरो का निशान दो ऊपर की तरफ, मतलब रेडियस ज्यादा है, ये है डिनोमिनेटर में, तो ये जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर से फार्मूला लगाओ, डब्ल्यू बराबर वेट बराबर एम इंटू जी, जी क्या है यहाँ पे, ज्यादा है, इसलिए वेट क्या, जी सॉरी जी कम है, जी कम है। तो ये देखो, यह मास नहीं बदलेगा, मास उतना ही रहेगा, मास को तराजू से तोल के निकाल लेते हैं, मास नहीं बदलेगा, मास और इक्वेटर पे जितना रहेगा उतना ही पोल पे रहेगा, यम तो बदल नहीं रहा, जी बदल रहा है, यहाँ जी कम हो गया, मास वही रहेगा, तो जी के कम होने से वेट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये देखा अपने मैथमेटिकल, इक्वेटर पे अगर जी कम होगा तो वेट भी कम हो जाएगा, तो जब वो अपने फ्रेंड को देगा गोल्ड, तो वहां पे वेट क्या होगा, कम होगा। जब उसका फ्रेंड अमित क्या करेगा, जब पोल पे खरीदेगा तो वेट, गोल्ड का वेट ज्यादा होगा, जब वही चीज हैंडओवर करेगा उसको कहाँ पे, इक्वेटर पे जब मिलेंगे फ्रेंड, तो वहां पे जी कम होगा, जी कम होगा तो जी यहाँ पे कम है, तो इस डब्ल्यू बराबर एम जी में उसको पुट करो, तो एम इंटू जी, तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेट भी कम हो जाएगा। यही रीजन है कि पोल पे वेट ज्यादा होता है और इक्वेटर पे, पोल पे वेट ज्यादा होता है और इक्वेटर पे क्या होता है, कम होता है। उसके लिए क्या हमने निकाला बेटा, ये फार्मूला हेल्प किया हमको। हम जानते हैं क्या, जी बराबर जी एम ई अपन आर स्क्वायर। यहाँ पे एक बार और रिवाइज कर रहा हूँ, ये पोल हो गया, पोल पे अर्थ की रेडियस क्या होती है, कम होती है, जब कम होगी तो इस फार्मूले में एरो का निशान नीचे लगाओ, ये कम होगी डिनोमिनेटर में तो जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वाई फार्मूला हम जानते हैं क्या, डब्ल्यू बराबर एम इंटू जी, जी बढ़ गया, जी बढ़ने से क्या होगा, ये पूरा बढ़ जाएगा, तो वेट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी गोल्ड का वेट ज्यादा होगा, जब वो खरीदेगा पोल पे तो उस समय गोल्ड का वेट ज्यादा होगा। अब उसी को लेके इक्वेटर पे आता है, तो इक्वेटर पे अर्थ की रेडियस, ये वाली रेडियस क्या है, ज्यादा है, ज्यादा है, तो एरो ऊपर की तरफ इंडिकेट किया हमने, ज्यादा का सिग्नल है, तो ज्यादा है ये डिनोमिनेटर में, तो ये जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो फिर से फार्मूले में रखो, डब्ल्यू बराबर एम इंटू जी, तो यहाँ से जी क्या है, कम है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो हम कहते हैं वेट क्या हो गया, कम हो गया, तो उस गोल्ड का वेट इक्वेटर पर क्या होता है, कम होता है, दिस इज द रीजन। तो इतना बड़ा क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, यहाँ तक क्वेश्चन आंसर, अर्थ का फिगर बनाओ, पोल को इंडिकेट करो, इक्वेटर को इंडिकेट करो, पोल पे फार्मूला लगाओ, जी बराबर जी एम ई अपन आर स्क्वायर, इक्वेटर पे लगाओ, फिर वेट निकालो, तो ये देखते हैं पोल पे ज्यादा आता है और इक्वेटर पे कम आता है, इसलिए उसका फ्रेंड एग्री नहीं करेगा, उसका आंसर है नो। पिंक मूवी देखना आप, उसमें पूरी कहानी चलती रहती है, नो मीन्स नो, वो एग्री नहीं करेगा। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए बेटा बहुत बहुत धन्यवाद।
आप लोग जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें और माँ बाप की सेवा ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगले वीडियो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।